हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक दिग्गज शेयर से, एक रेपुटेड कंपनी के शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। एक बहुत अच्छे ब्रांड से रिलेटेड है। बीच में OFSB आया था, ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उस शेयर में, और वो जो शेयर है, ओके, अपने OFS प्राइस से भी नीचे आया है। तो आइए उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, उसके कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, फंडामेंटल एज वेल एज फाइनेंशियल। वीडियो की तरफ पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और आप हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने शेयर करिए। और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक आपका फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट, जीरो डिलीवरी चार्जेस, ओके, और जीरो ब्रोकरेज फॉर 30 डेज, फ्री मार्जिन है अभी अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से आप ओपन कराते हैं तो। अगर और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और आप इस पुण्य काम में आप मदद कर सकते हैं, मंदिर बनाने में मदद कर सकते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, 398 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। अगर मैं आपको पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, तो 6 महीने पहले लगभग ये 500 550 600 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, ओके, और उस लेवल से बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं सीधे, तो लगभग ये 398 पे चल रहा है, 26-27% का देखिए यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर ये शेयर गिरा हुआ है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि ये शेयर एकुमुलेट की जाए। लॉन्ग टर्म अगर इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो इससे 2 साल ही कंपनी को हुए हैं, 3 साल होने वाले हैं, और उधर से अगर हम देखें तो इसी फ्लैट मोड पर चल रहा है। बीच में इनका रेशो जो सेबी का रूल है 75:25 का, वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर OFS आया था, इस वजह से यहाँ पर शेयर बढ़ नहीं रहा था, बट अभी बहुत सारे चांसेस है इस शेयर के बढ़ने के लिए, तो इस शेयर की तरफ आप नजरें बना के रख सकते हैं। कौन सा शेयर है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अगर देखें 52 वीक लो की, तो 203 रुपये का ये शेयर है, और 568 रुपये का यहाँ पर मैक्सिमम इसका 52 वीक हाई है, ओके, और ये 52 वीक लो है। अगर डिलीवरी की बात की जाए, तो देखिए 58% तक की डिलीवरी यहाँ पर उठाती हुई दिखाई दी है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी सारी डिलीवरीज यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो बताया था कि 75 और उसका रेशो था पहले 77 था, यहाँ पर ये निकाल दिया हो, तो अब देखिए पूरा इन्होंने कर दिया, अब ये कंपनी फ्री हो चुकी है, तो OFS वगैरह अब आने के कोई चांसेस नहीं है। 75 आ सकता है, बट ऐसा कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो रेशो इन्होंने कंपनी को करना था वो कर चुकी है। कोई भी अच्छी कंपनी होती है तो वो 75 से नीचे नहीं रखती, वो चाहती है कि 75% के शेयर उनके पास खुद ही रहे, बाकी पब्लिक के पास है। पब्लिक में भी किसके पास है और भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अगर डिविडेंड की बात की जाए, तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली डिविडेंड देती आई है, साल में 2-2 बार डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड देखिए इनका बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, ओके। और अगर बात की जाए कि शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, तो ये शेयर जो है ये है ICICI सिक्योरिटी। अगर बात की जाए यहाँ पर सेक्टर का PE 35 और ये केवल 14 के PE पे आपको मिल रही है, तो मतलब कितनी सस्ती कंपनी मिल रही है ये आप खुद अंदाजा लगा रख सकते हैं। इसे ICICI सिक्योरिटीज कंपनी का नाम है। अगर बात करें इसके बिजनेस की, तो देखिए ये जो ICICI सिक्योरिटी है, ICICI डायरेक्ट, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या, आप यहाँ पर केवल इंडिया में ही नहीं, अपने फॉरेन में लाइक अमेजोन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, वीज़ा, ये जो एप्पल जैसी, टेस्ला, उबर जैसी कंपनी है, गूगल, वॉलमार्ट, तो इनके साथ भी आप अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट इन ब्रांड दैट मेक आर लाइफ ऑसम, तो ओके, तो अभी यहाँ पर आप कुछ ही ऐसी ब्रोकिंग फर्म है जो आपको इस तरीके की सर्विस देती है कि जो आप ओवरसीज़ के जो शेयर्स हैं उन्हें एकुमुलेट कर सकते हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ देम, ओके। एज वेल एज अगर बात की जाए, तो सेम जो क्राइटेरिया मोस्टली सभी कंपनी दे रही है, अगर बात की जाए 20 रुपीज़ वाला जो स्कीम है, फ्री में आपका डिलीवरीज, वही सब चीज़ देखिए ये भी दे रही है, 20 रुपीज़ ट्रेडिंग, 0 फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, 4 इंटरडे ट्रेडिंग 20 रुपीज़, तो वही सब इसकी बाकी सब सर्विस ऐसी ही है। अगर बात की जाए अच्छा खासा कस्टमर बेस है, ओके, ट्रस्टेड पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर काफ़ी सारे हैं, और कस्टमर लगभग 49+ लाख कस्टमर है, और किस में काम करती है, सिक्योरिटी है, तो ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटीज़ में ही काम करेगी, जैसे रिटेल इक्विटी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, ये वो, तो ये सारे कंपनी इसी चीज़ में काम करती है, तो इस शेयर की तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं। अगर इसके कुछ फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैपिटल देखिए, ओके, यहाँ पर मिड कैप नज़र आ रही है, ओके, 13,000 करोड़
करोड़ रुपए का यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस की बात करें तो कितना 398 रुपीस पे चल रहा है ये, और हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको अगर और गिरता हुआ नज़र आता है बाय ऑन डिप्स करके खरीदना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे नीचे ये शेयर जाने वाला है। यहाँ बिकवाली है इसलिए क्रैश हुआ पड़ा है, वरना ये शेयर जो OFS आया था इसका 455 रुपीज़ में या 54 रुपीज़ में आया था, तो उससे नीचे चल रहा है। PE 14 का है जो आपको बता दिया, और ROCE की बात करें तो 38-39 के PE पे ROCE पे आपको मिल रही है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी मतलब 1.71% ही है, कुछ ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर यहाँ पर देख लेते हो क्वार्टरली रिजल्ट तो देखिए यहाँ पर बीच में यहाँ पर गिरावट जरूर थी इसके उसमें, बट बैक टू बिजनेस आ गया है जून से। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 546 करोड़ रुपए की सेल, फिर यहाँ पर 681 की, और यहाँ के बीच में यहाँ पर गिरावट इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर OFS आया था। ओके, तो यहाँ पर 628 की यहाँ पर सेल्स होती हुई नज़र आई है। अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट देखिए सभी ईयर्स में मोस्टली सबसे अच्छा लास्ट क्वार्टर का था, फिर इसके बाद इस वाले क्वार्टर का देखिए ये प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रुप है ICICI बैंक, ICICI ग्रुप है, तो इसकी तरफ नज़रें बना सकते हैं। और ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड मतलब डिटेल्स नहीं है क्योंकि मार्केट में एक ज़्यादा लिस्ट हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक 12 महीने में देखिए क्या सेल्स है, 2327 रुपये की सेल्स है। प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले 12 महीने में 894 करोड़ रुपये का प्रॉफिट भी किया कंपनी ने, तो इसलिए कंपनी की तरफ नज़रें बना के रखिए, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन रिजर्व्स है, 1311 करोड़ रुपये के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग देखिए 2522 करोड़ रुपये की है, बट बोरोइंग के लिए ये कंपनी क्या कर रही है, तो ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। पहले एक्सपेंड नहीं कर रही थी, पहले एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, पहले कुछ नहीं था, तो कंपनी देखिए प्रॉफिट नहीं कर रही थी, बट अभी बिजनेस में एक्सपेंड करने के लिए ये खर्चा कर रही है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट का असर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस देख सकते हैं जो कि इनका कंटिन्यूस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की भी बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए पहले 75-25 का जो रेशो होता है, ओके, कंपनी ने वो अचीव कर लिया है, और अभी मेरे को नहीं लगता कि इससे कम इससे ज़्यादा प्रमोटर्स यहाँ बेचने वाले हैं क्योंकि ICICI ग्रुप का ये शेयर है। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए लास्ट क्वार्टर में इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 4.6% की। DIS की बात करें तो DIS के पास 9.93 लगभग 10% की हिस्सेदारी है। अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास 10% की 10.47% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास भी है, तो ये शेयर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ओके, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, और फ्यूचर में ये कंपनी और आगे जा सकती है। हमें पता है कि ज़ेरोधा यहाँ पर इंडिया में सबसे नंबर वन पे आता है इस मामले में, बट स्टिल ओवरसीज़ का वो भी नहीं देता कि ओवरसीज़ में जाके आप इन्वेस्ट करिए, बट ये कंपनी आपको ओवरसीज़ का भी करने इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इस शेयर की तरफ हम नज़रें बना के रख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन शेयर है, और इसका कुछ टेक्निकल्स भी देख ले तो देखिए यहाँ पर एक इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। यहाँ पर जब ये लगभग कितने अगर बात की जाए 43 का यहाँ पर RSI था, तब यहाँ पर 424 पे इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी बाइंग का सिग्नल दिया था, उसके बाद सेलिंग का सिग्नल बिल्कुल नहीं दिया। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अभी हमें ये शेयर किस पे मिल रहा है, लगभग 35 के RSI पे मिल रहा है, और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 30 और 70 के बीच में अगर कोई शेयर रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। 30 पे हमें माना जाता है कि 30 पे है, तो 30 या 30 के नीचे है तो वो ओवरसोल्ड जोन में है, तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं, अंडर वैल्यूड है वो शेयर, तो इस शेयर की तरफ आप नज़र बना सकते हैं। 398 के RSI पे ये शेयर मिल रहा है, और 35 का इसका RSI है, तो इस शेयर की तरफ नज़रें बनाइए, फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ये ग्रोथ आपको देता हुआ नज़र आएगा। तो कंपनी का नाम जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ ICICI सिक्योरिटीज़ है, तो नज़रें बना के रखिए। कोई भी पोजिशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन शेयर मुझे तो लगता है, ये मेरी पर्सनल व्यू है, बाकी अपना भी स्टडी आप कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, इस चैनल में को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।